भाइयों, अरे सूरज जब डूब जाता है तो लोग भूल जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब उगता है सूरज तो सभी लोग याद रखते हैं, दिन भर याद रखते हैं, इसलिए हमेशा उगते सूरज को ही वोट दीजिए, रवि भैया को ही वोट दीजिए जो उगता सूरज में खड़ा है। लेकिन ये क्या है, निर्दलीय से है और बहुत अच्छे काम करने वाले धार्मिक व्यक्ति हैं, लोगों के प्रेमी हैं, इसलिए उगता सूरज को ही वोट दीजिए। कुमार है जो कि मैं शांति नगर वार्ड का रहने वाला हूँ। मेरा चुनाव में मुद्दा मेन कारण यह हुआ है कि यहाँ शांति नगर की हाल बहुत बेहाल है, जहाँ पर रोड पानी सड़क के लिए लोग यहाँ परेशान हैं, किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से यहाँ पर सुविधा का वंचित रहा है की जरूरत होती है। ACCL का जो क्षेत्र है, जो वार्ड समय उधर आता है, जो ACCL के क्वार्टर तरफ, उस जगह में तो पार्षद के समझ जाइए जरूरत नहीं के बराबर है। जो भी जरूरत पड़ेगा हमको इस नगर निगम क्षेत्र के लिए पड़ेगा, नाली के लिए हो गया, रोड के लिए हो गया, पानी बिजली खंबा सब के लिए हमें नगर निगम पर डिपेंड रहना पड़ता है। साथ में चुनाव में उतरा हुआ हूँ। कितने लोगों ने आपको सहयोग देने का वचन दिया है? सहयोग देने के लिए तो पूरा बस्ती समर्थन में, पूरा जी सब एक साथ जी, और पूरा बस्ती ही साथ में, हमारे सब एक साथ में है, और सभी बस्ती ने बोला है कि मिलकर हम लोग आपको खड़ा कर रहे हैं भैया, हम अपने विकास और उन्नति के लिए आपको, हम लोग प्रतिनिधित्व के रूप में आपको यहाँ पार्षद रूप में खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं जी? और अपना संबंध तो किसी राजनीति पार्टी से किसी से भी नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये बात है कि जब राजनीति वाला, जब पार्टी का लेवल आता तो हम लोग किसी पार्टी लेवल पास ये भी गए भी नहीं कि हमको टिकट चाहिए। मतलब शुरू से ठान के रखा था निर्दलीय लड़ना है, मतलब लड़ना है। अब बहुतों ने कहा कि बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, राजनीति के बारे में तुमको ज्ञान नहीं है, अभी तुम राजनीति के बारे में जान नहीं रहे हो, उतर गए हो। अब मैं यहाँ पर उतरा जो हूँ, अपने बस्ती के विकास और लोगों के सुंड विकास के लिए उतरा हूँ। हर चीज़ का फैसला तो पूरा जनता ही करेगी। लगातार यहाँ पार्षद रहे हैं, उनका क्या सफलता है, क्या सफलता है उनका? कार्य तो सर सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किए, लेकिन क्या है, लोगों की नज़र में काम दिखना भी चाहिए, जो चीज़ नहीं दिख रहा है। तभी लोगों ने हमको बोला कि भैया आप भी कॉलोनी का रहने वाले रह चुके उस जगह से, आपका भी संबंध वहाँ सभी लोग से अच्छा है, आपका भी वहाँ वोट बन जाएगा, बस्ती वाला समर्थन तो करेंगे करेंगे, हार जीत का फैसला तो लगे रहेगा भैया, कुछ भी हो जाए आप चुनाव में रहिए और डट कर अपना सामना करिएगा। आप चुनाव तो लड़ा देते हैं मैदान में, फिर बाद में पीछे हट जाते हैं, अब इतने दिन हो गए, अब आपको क्या लग रहा है कि साथ देंगे कि पीछे भाग जाएंगे? साथ तो सब देंगे सर, पूरा साथ देंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, है ना? चलो ठीक है।